देखिए वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें पहली चीज पे डिपेंड करता है कि जो आप लोग वेबसाइट बनाते हैं या कंपनी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसके साथ बेसिकली बांट का टाइप ही हो रहा है, ठीक है, डिपेंड करते हैं कि पूरा DNS वहाँ पे उसको मैनेज करने को दे रहे हैं। आमतौर पर तो ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि DNS हम खुद ही मैनेज कर लेते हैं प्राइवेट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है, ओनली फॉर वेबसाइट के केस में एक IPS बाइंड कर दिया जाता है, बाकी DNS हम मैनेज करते हैं, लेकिन ISP हमारा सर्वर सब उस वेबसाइट को देखती है, ठीक है। अगर क्लाउड इंडस्ट्री ने कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, उन्होंने इस दोनों को मर्ज कर दिया, वो कहते हैं एक साइड DNS सर्वर मैनेज करो, दूसरे साइड पर मेगा सर्वर को मैनेज करो, एक ही प्लेटफॉर्म में दोनों पट्टे मैनेज करो, कि आप इसे थर्ड पार्टी को मोहताज छोड़ दो। सेम होती है उसका ये उसका टॉपिक नहीं मैं लिख रहा हूँ। दो चीजें मर्ज है, इसमें DNS प्लस वेब होस्टिंग, इसमें जो ISP भी बन सकते हैं, अपनी वेब भी होस्ट कर ली, दूसरों की भी कर ली, तो DNS हमारे पास है। इसमें डिपेंड करता है कि Route43 एक उन्होंने प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म में वो कहते हैं कि अगर तो एक DNS सर्वर कंपनी, सिंपल से कॉन्सेप्ट ये है कि एक अगर आप नेम कंपनी का परचेस करते हैं, ठीक है, कंपनी का नेम परचेस करके बाद में आपने उसकी क्या करवाते हैं होस्टिंग करवाते हैं, ठीक है, बाद में अगर उसकी होस्टिंग करवानी है तो वो कहता है ये कामयाब होती करो, जो IPS की लिस्ट चाहिए वो IPS की लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी, पब्लिक IPS चाहिए, ठीक है, तो जो नेमिंग कन्वेंशन उसके साथ हमने ज्वाइन करना चाहते हैं, एयर रेकॉर्ड कन्फिगर करना चाहते हैं, उसके PDR रेकॉर्ड कन्फिगर करना चाहते हैं, सारा काम उसके अंदर होगा, ठीक है, तो हर चीज़ आपकी वहाँ पर मैनेज हो रही है, सर्वर भी मैनेज हो रहा है और आपका डोमेन होस्टिंग। जैसे MySpace के मतलब होस्टिंग साइट्स होती हैं, उनके बैकअप में एक IP जा रहा है, वो मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर रहे होते हैं, वो कैसे जा रहे हैं? देखिए अब उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि पहली चीज़ है कि जो आप कंपनी के साथ अमेज़न अगर ये सर्विस दे रहा है या Azure दे रहा है, ठीक है, तो जो SLA आप करते हैं, ठीक है, SLA में उसमें डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया कि बैकग्राउंड का वो एक ही वो पब्लिक IP यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल IP यूज़ कर रहे हैं, तो एक पूल यूज़ कर रहे हैं, IP10 का पूल आ गया, 1 का पूल आ गया, पूरा एक आ गया, मगर वो उसके अगेंस्ट वेबसाइट्स की जो लिस्ट होती है या होस्टिंग वेबसाइट में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होती है, उससे वैसे वो उससे कोई कंसर्न नहीं, वहाँ पे वो थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स भी आ जाए, ठीक है, वो आगे उसका जिस पब्लिक IP